क्वेश्चन नंबर एट में कहता है जी, एन इनवॉइस फॉर 200 फ्रॉम पीजे मोटर्स फॉर मोटर रिपेयर वॉज क्रेडिटेड टू मोटर व्हीकल अकाउंट एंड डेबिटेड टू पीजे मोटर्स अकाउंट विथ जनरल एंट्री वुड नीड टू करेक्ट देर। देखो यार, एक टेक्निक है यहाँ पे, अगर आप एरर्स कोई देख रहे हैं और कोई एरर आपको मिल गया मुश्किल, तो इसको करेक्ट करने के लिए टेक्निक है OEC। OEC स्टैंड फॉर ओरिजिनल एरर और करेक्शन। OEC ओरिजिनल एरर और करेक्शन, कैसे भी याद रख लें OEC को। ओरिजिनल का क्या मतलब, एंट्री बननी क्या चाहिए थी। एरर का मतलब हमने क्या गलती कर दी। करेक्शन का मतलब अब उस गलती को कैसे सुधारें, गलती को कैसे सही करें। सही जी, सबसे पहले ओरिजिनल। अब मैं पहले बताओ इसमें एंट्री बननी क्या चाहिए थी। इनवॉइस ऑफ 200 फ्रॉम पीजे मोटर फॉर मोटर रिपेयर, गाड़ी रिपेयर करवाई थी उसकी इनवॉइस आई थी। तो जो गाड़ी रिपेयर करवाएंगे, रिपेयर एक्सपेंस क्या होना चाहिए, मोटर रिपेयर डेबिट होना चाहिए। सही जी, मोटर रिपेयर हमारे लिए एक्सपेंस है, वो डेबिट होना चाहिए कितने से, 200 से। और किससे करवाई है, पीजे मोटर्स। तो पीजे मोटर्स हमारे लिए क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। तो पीजे मोटर्स का अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट हो जाना चाहिए 200। ये एंट्री बननी चाहिए। हमने एरर क्या किया बताओ, हमने एरर ये किया है, मोटर रिपेयर जो है उसको क्रेडिट कर दिया कहाँ पे, मोटर व्हीकल अकाउंट। मोटर व्हीकल का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, लेकिन हमने मोटर व्हीकल को क्रेडिट कर दिया कितने से, 200। और पीजे मोटर्स को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। पीजे मोटर्स को डेबिट कर, देखो भाई क्या होना चाहिए। मतलब ये है कि एंट्री बननी चाहिए थी ये वाली, लेकिन बनाई हमने ये। अब देखते करेक्शन। यार मुझे बताओ, मोटर रिपेयर डेबिट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, लेकिन क्या हमने डेबिट किया, नहीं किया। तो पहले तो क्या करो, मोटर रिपेयर को डेबिट कर दो करेक्शन में। रिपेयर तो एक्सपेंस होता है ना, तो मोटर रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट कर दो कितने से, 200 से। आप मुझे बताओ, पीजे मोटर्स को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने क्रेडिट किया डेबिट किया, हमने तो डेबिट कर दिया। इसका मतलब अब क्रेडिट करूंगा, लेकिन डबल अमाउंट से क्रेडिट करूंगा। क्यों, अगर एक बार मैं ये जो मैंने गलती से डेबिट कर दिया, अगर इसको एक बार क्रेडिट करूंगा, तो डेबिट क्रेडिट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जो मुझे लायबिलिटी बढ़ानी है वो तो बढ़ेगी नहीं, तो मैं पीजे मोटर्स को डबल अमाउंट से क्या करूंगा, क्रेडिट। किसको, पीजे मोटर्स को डबल अमाउंट से क्रेडिट कर दें। पीजे मोटर्स को क्रेडिट कर दें कितने से, 400 से। यहां तक समझ में आ गई बात, पीजे मोटर्स कैंसिल हो गया यहां तक। आखिरी चीज, मोटर व्हीकल जो है मेरे भाई, वो तो एसेट है। मोटर व्हीकल का तो यहाँ कोई रोल था ही नहीं। मोटर व्हीकल को जो ज़बरदस्ती आपने बीच में घसीट लिया, मोटर व्हीकल को क्रेडिट कर दिया, तो मोटर व्हीकल को अब क्या कर दें, डेबिट कर दें। मोटर व्हीकल मेरे भाई एसेट है, और मोटर व्हीकल को आप डेबिट कर दें, क्योंकि गलती से क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दें। तो देखें, अब डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो रही है, तो ये एंट्री बननी चाहिए, करेक्टिंग एंट्री। क्या एंट्री बनी भाई, पीजे मोटर्स क्रेडिट 400 से, रिपेयर डेबिट 200 से, और व्हीकल भी डेबिट 200 से। तो आंसर क्या बना भाई, डी आंसर बना। तो हाँ, आई होप आपको ये समझ में आई टेक्निक OEC। तो जब भी कोई मुश्किल एरर आ जाए, तो आप OEC से करेक्ट कर सकते हैं।